हेलो एवरो वेलकम बैक टू यू ओन चैनल वेल्स वेल्थ ट्वेल्थ ऑफ मार्च 2024 आज है ट्यूसडे का दिन और आज के दिन दोस्तों मैंने वीडियो जानबूझ के थोड़ा सा लेट पोस्ट किया है बिकॉज आई वांटेड टू स्टडी फ्यू डेटा जिसमें कि एक है एफआईआई डीआई डेटा इसके अलावा आज के दिन यू का सी पी आई डेटा इन्फ्लेशन का नंबर्स आए उनको भी मैं स्टडी करना चाह रहा था और इन सभी चीज़ों को होलिस्टिकली स्टडी करके मार्केट का क्या रिएक्शन है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिर्फ ताबड़ बाय करेंगे ताबड़ सेल करेंगे

एंड ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे दोस्तों तो एफ ने बाइंग करी है फिफ्टीन करोड़ की सेलिंग करी है 15,401 करोड़ की तो एक मैसिव क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग हुई है एफ के द्वारा मतलब एक बड़ा एक्सचेंज किए गए हैंड्स अब इसे हैंड्स एक्सचेंज करने का मतलब क्या है दोस्तों उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को चर्न किया है फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप टू लार्ज कैप दोस्तों ये चीज मैं करीब 15-20 दिनों से आपसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको नजरें हटा करके लार्ज कैप स्टॉक्स पे नजरें लानी है स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि रिसेंटली रन अप नहीं किए हुए हैं सेकेंडली दोस्तों जो चीज़ हम लोग को स्टडी करनी थी वो था यूएस का इन्फ्लेशन अब दोस्तों मार्केट में जो एस्टिमेटेड था कि इन्फ्लेशन कितना होगा तो 0.4 परसेंट की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को कि 0.4 परसेंट का इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो सकती है अगर बात करें नो एस्टिमेट no, था कि ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना होगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन था कि थ्री के आसपास इन्फ्लेशन हो सकता है एक्चुअल्स में एक्चुअल में जो जो आया है इन्फ्लेशन वो 0.4 परसेंट ही आया है इनफैक्ट पिछले महीने था 0.3 पॉइंट परसेंट तो और थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा ज़रूर है बट एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन ही है ओवरऑल के बारे में बात करें सो so मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 3.1 परसेंट का इन्फ्लेशन होगा जो कि बढ़ करके भी आया है 3.2 परसेंट और uh, so दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि इसका मतलब क्या है सो so मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट ने जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रखी थी ऑलमोस्ट वही इन्फ्लेशन आया है सो दैट समथिंग विच इज़ इफ नॉट वेरी पॉजिटिव ऑफकोर्स इट्स नॉट वेरी नेगेटिव ऑल्सो देखो भाई सिंपल सी चीज़ है इन्फ्लेशन घटने से तो रहा अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से गिरेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हर एक फील्ड में हर एक सेक्टर में एक्सेप्ट चाइना जहाँ पर आप ज़्यादा डिमांड है नहीं इसलिए डिमांड को बूस्ट किया जा रहा है तो दोस्तों मार्केट को देखें दोस्तों आपके सामने हैं सारी चीज़ें आपके सामने हैं मार्केट भी चीयर कर रही है इन्फ्लेशन के नंबर्स एज पर एक्सपेक्टेशन है सो so, कोई भी इंटरेस्ट रेट कट करने की बातचीत तो यू नो आउट ऑफ क्वेश्चन है लेकिन हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं तो इन्फ्लेशन काबू में है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है दिस इज समथिंग विच इज़ पॉजिटिव न्यूज़ एंड दैट इज़ द प्रोसाइज रीज़न वाई यू मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स आर चेयरिंग दिस डेटा लेकिन दोस्तों आज कर, आज के दिन के बारे में बात करें तो निफ्टी फिफ्टी वॉज एब्सल्यूटली फ्लैट तीन पॉइंट्स का मूवमेंट वो भी पॉजिटिव निफ्टी बैंक में 45 पॉइंट्स का मूवमेंट वो भी नेगेटिव अल्टीमेटली मैं आपको भी कैंडल दिखाऊंगा निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक की जिस लेवल पर ये दोनों के दोनों ओपन हुए उसी लेवल पर ये क्लोज हुए ऑल दो मार्केट में वॉलिटिलिटी वॉज एक्सट्रीम लेकिन भाई साहब आज के दिन धुलाई मिड कैप और स्मॉल कैप की क्या सॉलिड हुई है मतलब ऑलमोस्ट मैं देख रहा था डेटा ऑलमोस्ट 800 हंड्रेड स्टॉक्स हैड हिट लोअर सर्किट टुडे ऐसा दोस्तों क्या हो गया भाई अब दोस्तों सिंपल सी चीज़ है इसका मतलब क्या है आज के दिन एफ़ और डी ने जिस तरीके से पंद्रह अगर ओवरऑल देखेंगे तो पच्चीस करोड़ की बाइंग हुई है पच्चीस हज़ार करोड़ की सेलिंग हुई है तो एफ आई और डी आई एस जिस स्टॉक में सेल कर रहे हैं जिस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है तो मार्केट में सेलिंग कहाँ हो रही है वो आपके सामने है बाइंग कहाँ पर हो रही है वो आपके सामने है सो तो इससे आपका निष्कर्ष निकल जाना चाहिए एफ आई आई इस पैसा कहाँ लगा रहे हैं आउट ऑफ टू थाउजेंड स्टॉक्स उन्नीस उन्नीस सो उन्नीस सौ बीस स्टॉक्स विक्लाइनिंग एडवांसिंग स्टॉक्स व्री हंड्रेड मतलब अगर एक स्टॉक बढ़ रहा था उसके अगेंस्ट थ्री सिक्स एटीन छ स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे और दोस्तों मैं कुछ बोलूंगा नहीं कि आपको कौन सा स्टॉक पर नजर रखनी है कौन सा स्टॉक स्टडी करो क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है कि मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक पे आप नो बाइंग करें भाई मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी स्टॉक में ख़रीदवाना या बिकवाना मेरा काम है आपकी नज़रें उस उस स्टॉक पर उस थीम पर लेकर के जाना जहाँ पर एक्शन होने वाला है दोस्तों कल हमने एच बैंक के बारे में कुछ बातचीत करी थी आई होप आपको याद होगा एच बैंक वॉज टू परसेंट लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये तो अभी शुरुआत है टीसीआई मारोती इन्फोसिस आर अदर टॉप गेनर्स अब दोस्तों ये वो सारी की सारी थीम है जो कि पिछले दो साल से प्ले नहीं हुई है टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों कहाँ का पर गिरावट हुई है स्टॉक्स लग अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक लग अडानी पोर्ट स्टॉक लग एस ये वो स्टॉक हैं पी एस यू थीम पी एस यू स्टॉक्स ये वो सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्ले हो चुके हैं और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कम से कम आई थिंक टेन डेज बिफोर जब मैंने एक वीडियो पोस्ट किया तो मैंने कहा था ये ये दोनों थीम पी एस यू थीम और डिफेंस थीम ये दोनों की दोनों ओवर प्ले हो चुकी आई होप यू रिमेंबर अगर आप देखते हैं वीडियो तो आपको याद होगा TCS, HGFC, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में पता लास्ट एक हफ़्ते में टी सी एस भारतीय एयरटेल बजाज फिनसर्व एव डी वी एस लैब एच डी एफ सी लाइफ आर दी टॉप आउट परफॉर्मर्स कहाँ पर लास्ट एक हफ्ते में गिरावट हुई है उसमें लीड कर रहा अडानी एंटरप्राइजेज ओ एन जी सी एन टी पी सी पावरग्रेड एस बी आई तो चार स्टॉक हो गए पी एस यू के और एक स्टॉक हो गए अडानी का अब इससे तो आप समझ ही पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो बेसिकली पाँचों के पाँचों स्टॉक एक ही थीम के स्टॉक्स हैं अब इंटरेस्टिंग डेटा क्या है इंटरेस्टिंग डेटा यह है कि आज के दिन मार्केट ने क्या अक्यूमिलेट करा आज के दिन कहां पर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है एस कंपेयर टू प्रीवियस डे तो स्टॉक लाइक एम एन एम स्टॉक लाइक भारतीय एयरटेल स्टॉक लाइक नेस्ले आर बिंग अक्यूमिलटेड समझ में आ रहा है आपको तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको की मार्केट अक्यूमलेट कर रही है दीज आर दी स्टॉक्स जिनमें कि पिछले दिन के कंपेरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है दोस्तों आई वॉन्ट यू टू स्टडी द चार्ट ऑफ निफ्टी फिफ्टी एंड निफ्टी बैंक अगर आप निफ्टी निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को देखें दोस्तों तो ये कैंडल है आज की मतलब जहां पर ओपन हुई मार्केट वहीं पर क्लोज हो गई डेड वहीं पर क्लोज हो गई है लेकिन ऊपर के लेवल पे बात करें 120 पॉइंट 130 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर है और करीब सौ पॉइंट का मूवमेंट नीचे तो मार्केट में ओवरऑल देखें तो करीब दो सौ पॉइंट की अपसाइड साइड डाउन हुई है लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ हुई है जहां पर ओपनिंग हुई थी बेसिकली ऑप्शन राइटर्स का जबरदस्त समय चल रहा है और ये समय हमेशा ही चलता है दोस्तों यही रीजन है कि जब भी मैं ऑप्शन uh, no, राइटिंग सेट बैठेंगी थर्टी परसेंट ऑफ द टाइम भैया देखो ऐसा मार्केट है तीस परसेंट द टाइम आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली तीस परसेंट ऑफ द टाइम वही समय है जब ऑप्शन बायर्स का पैसा बनता है और ये समय दोस्तों ऑप्शन राइटर्स का है दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग निफ्टी फिफ्टी की सो so ये है निफ्टी फिफ्टी का आज का चार्ट मैं निफ्टी बैंक देखना चाह रहा था वांटेड टू से हाँ ये है निफ्टी बैंक अब दोस्तों निफ्टी बैंक का चार्ट इतना इंटरेस्टिंग है मॉर्निंग में जिस लेवल पर ओपनिंग हुई फोर्टी सेवन टू हंड्रेड वहां से मार्केट वेंट टू फोटी मतलब छः पॉइंट का अपसाइड जस्ट फिफ्टीन मिनट्स में पंद्रह मिनट में छः पॉइंट अप और अगले पंद्रह मिनट में छः पॉइंट डाउन कैन यू इवन इमेजिन द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी उसके बाद लो लगाए हुए फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड का उसके बाद अगले पंद्रह मिनट में तीन सौ पॉइंट ऊपर तो दोस्तों ये जो फ़ेज़ था ये जो फेज़ था ये तो मैंने बिल्कुल और बिल्कुल छोड़ दिया वो नो बक होता है ना बक मार देते हैं तो मैंने इसको तो बिल्कुल टच ही नहीं किया मुझे मालूम था ये जो भगदड़ है लोगों के स्टॉप लॉसेस को ईटा कर जाएगी मैंने दोस्तों यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करी अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा था कि फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट पॉसिबल होगा अनफॉर्चुनेटली 47,500 सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को सस्सटेन ही नहीं किया मार्केट ने क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारे टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं वन एस टू थ्री वन एस टू फोर रिवॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट हमारे टारगेट रहते हैं कि भाई स्टॉप लॉस होगा दस परसेंट का और प्रॉफिट्स होंगे हमारे बीस से पच्चीस तीस पैंतीस परसेंट पचास परसेंट साठ परसेंट के अल्टीमेटली हुआ क्या दोस्तों फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के लेवल्स को अगर सस्टेन करती है मार्केट तो यहाँ से फोर्टी सेवन एट हंड्रेड वॉज द टारगेट अल्टीमेटली क्या फोर्टी सेवन फाइव ंड्रेड के लेवल्स को ही निफ्टी निफ्टी बैंक ने सस्टेन नहीं किया अब सस्टेन नहीं किया तो नहीं किया किसी को फोर्स थोड़े नहीं किया जा सकता लेकिन दोस्तों बात करते हैं कुछ और स्टॉक ही एक स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग ने कल शाम को भी डिस्कशन किया था के फिनटेक जिसमें कि आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक ने 2.03 परसेंट का स्टेक सेल करना था अब दोस्तों अगर आप मुझे पूछें कि के फिन कैसे कंपनी है कैसा स्टॉक है दोस्तों ये स्टॉक ये कंपनी मुझे कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं रही है लेकिन इसके इसके कम्पेरिजन में एक स्टॉक है जो कि मुझे पसंद है वो है कैम्स अगर आप स्टॉक के बारे में बात करें अगर कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक में अपने स्टेक को सेल कर रहा है तो इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं यू कैन अंडरस्टैंड यू नो अगर जहाँ पर स्टेक बढ़ाया जा रहा है जहाँ से स्टेक कम किया जा रहा है मेरी बात समझ में आ रही है आपको कोटक महिंद्रा बैंक का इसमें 9.79% का स्टेक था जिसको कि रिड्यूस करके उन्होंने किया है 7.76%। आपको मेरी बात समझ में आ रही है किस सेक्टर से पैसा निकाला जा रहा है और कहां पर पैसा डाला जा रहा है यह समझना बहुत जरूरी है सो so, जो लोग केफिन टेक में बाय करना चाह रहे हैं या फिर आज के दिन उन्होंने लपक लपक के बाइंग करने की कोशिश करी है मेरे हिसाब से नॉट अ राइट स्टार्टजी हां अगर ये स्टॉक 500 से 550 के बीच में आता है मे बी एस मे बी एस वी कैन थिंक अबाउट इट क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो रिट्रेसमेंट है कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है सो अभी हड़बड़ाहट में जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना है नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जिसके बारे में हमने आज मॉर्निंग अपडेट में ही आपको बता दिया था कि इसका कंपनी में स्टेक सेल की, uh, you know, की न्यूज है कि, uh, you know, uh, कि इससे वो एक अच्छा खासा फंड भी जनरेट करेंगे आप कितना करेंगे? एक मेरे पास वो डेटा भी लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ जस्ट होल्ड हाँ तो 3.5 परसेंट का स्टेक सेल करेंगे और जो ब्लॉक डील है वो है 384 एटी फोर टू फोर हंड्रेड इस रेंज में ब्लॉक डील होगी इस पैसे में मतलब कल के दिन आपको तीन सौ चौरासी तीन सौ पचासी तक आई टी सी मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है और मैगजिम फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑफर करेंगे इससे ज्यादा का डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे और इससे वो सिक्सटीन सेवन सेवन फाइव सिक्सटीन सेवन सेवन फाइव करोड़ का एक बड़ा फंड वो रेज करना चाहते हैं अगर आप मुझसे पूछें कितनी गिरावट हो सकती है दोस्तों ये आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ऑफ आई टी सी एंड दिस इज नथिंग बट थ्री एट्टी टू थ्री नाइन्टी देख पा रहे हो यहाँ देखो यहाँ देखो थ्री एट्टी टू थ्री नाइन्टी है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो यही वो जोन था थ्री एट्टी टू इनफैक्ट फोर हंड्रेड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है एटलीस्ट दोस्तों अगर कल ये स्टॉक मेरा तो इसमें जी टी टी ऑर्डर लगा रहेगा थ्री एट्टी फाइव पर भी लगेगा थ्री नाइन्टी पर भी लगेगा और चार सौ रुपये तो नहीं खरीदेंगे थ्री एट्टी फाइव थ्री नाइन्टी दोनों प्राइसेस पर मैं अपना जी टी टी ऑर्डर लगा करके रखूंगा अगर फंस गई मछली तो बहुत अच्छी बात है नहीं फंसी छोड़ा वैसे भी दोस्तों मेरे पास आई टी के शेयर इतने हैं मतलब इतने मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास दो चार दो चार परसेंट का स्टेक है लेकिन अपने अपने हिसाब अपने औकात भर का अच्छा खासा हमारे पास शेयर होल्डिंग है दोस्तों एक स्टॉक मैं आपको स्टडी चाहता हूँ कि आप स्टडी करें स्टॉक का नाम है पैसा लो डिजिटल जो कि यू नो जो कि फिनटेक कैटेगरी में आता है और आपको मालूम है इसमें फिन टेक कैटेगरी के, के स्टॉक्स का क्या हाल है दोस्तों पैसा लो डिजिटल में हम लोगों ने जिस प्राइस पे एक स्टार्ट किया था वो था 85 फाइव टू नाइन्टी और उस समय से स्टॉक में बहुत अच्छा खासा जंप आया ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हो गया स्टॉक वन फिफ्टी के आसपास तक स्टॉक गया था मैंने दोस्तों इससे धीरे धीरे करके प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम वन ऑनवर्ड्स जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों वन तक स्टॉक गया था अभी रिसेंटली और स्टॉक में दोस्तों पोटेंशियल बहुत सॉलिड है लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है भाई जो पे के साथ हुआ है जो बाकी आई एफ एल फाइनेंस के साथ में हुआ है वही सारी चीज़ें इसके साथ भी हो रही हैं क्यों हो रही है दोस्तों ये चीज़ तो आपको भी पता है इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम लोग एक स्टॉक की जिसका नाम है यू नो जिसका नाम है एक्साइड और एक्साइड में इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है कि कंपनी बैटरी के प्राइसेस को बढ़ा रही है वन से थ्री परसेंट के आसपास और सिर्फ एक्साइड और ल्यूमिनस डीलर से बैटरी प्राइस है हाइक रिसेंटली और उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है कि लेड के जो प्राइसेज है वो बढ़ रहे हैं अब दोस्तों इससे अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक साइड के प्राइसेस में या फिर एक साइड के प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ बढ़ोतरी होगी नहीं क्योंकि अल्टीमेटली ये प्राइसेज क्यों बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि लेड के प्राइसेज ही बढ़ रहे हैं दैट इज़ इ रीज़न वाई स्टॉक यू नो प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं सो so, मेरे हिसाब से इसमें भी केयरफुल रनिंग की जरूरत है और जहाँ तक मुझे लगता है स्टॉक में थ्री के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ये अगर टूट जाता है दोस्तों तो फिर तो एम आई एम वेरी वेरी सॉरी बट यहाँ से स्टॉक में शार्प फॉल हो सकती है यू कैन सी द स्टॉक कमिंग बैक टू दी 280 जोन तो इसको भी ध्यान रखो है ना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ केनार कंस्ट्रक्शन को तो वैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है केनार कंस्ट्रक्शन को हैज़ नथिंग नेगेटिव इन केनार कंस्ट्रक्शन इनफैक्ट केनार कंस्ट्रक्शन को वन वन सिक्स थ्री करोड़ का नया ऑर्डर मिला है सो दैट समथिंग विच इज़ पॉजिटिव एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ए बी एस एल एम सी जिसमें कि प्रमोटर्स फाइव परसेंट का स्टेक सेल करेंगे और ए बी कैपिटल सन सन लाइफ एम सी इसमें अपने अपने ऑफर फॉर सेल के तहत ए बी एस एल एम सी से ऑफ़र फॉर सेल आएगा अब ऑफर फॉर सेल आएगा तो सिंपल चीज है कि स्टॉक में प्रेशर आपको दिखाई पड़ सकता है इनफैक्ट स्टॉक आज के दिन खुद ही चार परसेंट के आसपास जाऊं था सो so, दोस्तों अभी तक जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए आपके सामने सारे के सारे ये स्टॉक कौन से हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनमें कि आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा है और रीज़न क्या है इससे किसी से प्रमोटर स्टेक निकाल रहा है किसी से यू नो कंपनी के प्रमोटर्स खुद ही या तो कोई बड़े इन्वेस्टर्स निकाल दे रहे हैं लाइक कोटक महिंद्रा बैंक लाइक किसी में यू नो किसी में निगेटिव न्यूज़ आ रही है और कुछ स्टॉक ऊपर ही चलते चले जा रहे हैं विच इंक्लूड्स जियो फिनेंस तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स में लार्ज कैप कंपनीज़ में समय आ गया है जब आपको पैसे निकालने पैसे लगाने का समय है ना कि यू नो उनसे डर के रहने